तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं खेलने वाला हूँ एविल नन। तो ये मेरे लिए दूसरी बार होने वाला है एविल नन का वीडियो। इससे भी पहले मैंने एक बार खेला था लेकिन मैं उसमें कुछ खास नहीं कर पाया था। तो बिना किसी देरी के इस बार मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमारे सामने एक गाड़ी दौड़ती हुई जा रही है और इस गाड़ी में और कोई नहीं है इस गाड़ी में बल्कि मैं खुद ही हूँ और मेरे माता पिता मुझे स्कूल में ले जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो अपने बच्चे को गलत जगह पे ले जा रहे हैं और वो बच्चा और कोई नहीं होने वाला है, मैं खुद हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपना स्कूल देखने के लिए। शायद मुझे यहाँ पर अपने स्कूल में नए अच्छे दिन ही मिलेंगे। और जिसका डरता है वही हुआ, मेरे पीछे पहले ही नन पड़ेगी भाई आने। और यहाँ पर मेरा काम भी तमाम हो चुका है, थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पे मुझे स्कूल में कैद कर लिया गया है और यहाँ पे हमारा शुरू होता है डे वन। तो इस स्कूल से निकलने के लिए मेरे पास बस 3 ही दिन बचे हैं और यहाँ पे मुझे कैसे भी करके 3 दिन में एस्केप करना है। तो यहाँ पे मुझे मिला है बस एक ये छोटा सा कमरा है और बिल्कुल कुछ खास ग्रेनी जैसा ही होने वाला है। लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे पहले इस बॉक्स को मैं चेक करता हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले एक झाड़ू चाहिए होगा। तो झाड़ू से पहले मुझे एक बार किचन में जाना होगा क्योंकि किचन में इस गेम की शुरुआत किचन से ही होगी। तो सबसे पहले मुझे सारा डोर को ओपन पहले कर देता हूँ यहाँ पे। और सारा डोर ओपन करने के बाद से मैं चलता हूँ सीढ़ी से छत के ऊपर और मुझे छत के ऊपर जाके पहले दरवाजे को ओपन करता हूँ। और सबसे पहले मैं चलता हूँ उस किचन में। किचन में जाने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ पीछे गिरा दिया था तो सबसे पहले उसमें दरवाजे को बंद कर देता हूँ और एक एक किचन के ड्रॉअर में चेक करता हूँ कि वो मुझे केबल मिल जाए। एक केबल है जो मुझे पीछे की साइड लगाना है। तो यहाँ पे मुझे स्मॉल केबल मिल चुकी है लेकिन मुझे यहाँ पे डर लग रहा है भाई साहब क्योंकि ये थोड़ा सा भी समय नहीं देती है, एकदम करीब से जाओ फिर भी मार देती है आखिरकार। तो एक बार मैं यहाँ पर भी देख लेता हूँ, शायद यहाँ पर अगर होगी तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। तो मैं यहाँ पर उम्मीद है कि वो मेरे ही पैरों की आवाज़ थी क्योंकि यहाँ पे पैरों की आवाज़ के चलते मुझे लग रहा है कि वो पैरों की आवाज़ उसी की है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ पहले ही, क्योंकि वेट करना मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि वेट करके रहूँगा तो मेरे लिए ही फ़ायदा है। तो अभी तक किधर गई है भाई साहब, उसे आना होगा मुझे। तो शायद वो नहीं आना चाहती है। तो अब मुझे यहाँ से निकलने में कोई डर नहीं है। तो इसको पहले मैं अरे भाई साहब सामने से ही आ गई यार, अब मैं यहाँ से मुझे भागना भी नहीं पड़ता। और मेरी यहाँ पे जिसकी सोच थी वही हो गई यहाँ पर। मैंने एक भी 100 बार नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है और बिना खामोखा मेरा पहला दिन समाप्त हो गया यहाँ पर मेरी एक छोटी सी गलती के चलते। शायद मैं वहाँ से पहले ही भाग चुका होता लेकिन मुझे डर भी तो था भाई क्योंकि बाहर नन घूम रही है। इसको मतलब इसमें शॉटगन तो होता नहीं है कि ग्रेनी जैसा कि मैं इसको 2 मिनट के लिए मैं इसको शांत कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं यहाँ पे मार तो सकता नहीं बिल्कुल भी इस गेम में। कैसे भी मुझे चढ़ के ऊपर साइड के जाना है और उम्मीद रहे कि सामने ही वो खड़ी है भाई साहब। अरे यार मुझे ऊपर काम है और ये ऊपर जाने भी नहीं देगी। तो मुझे थोड़ा सा एक आइडिया है कि मैं इसको छोटा सा एक चकमा तो ज़रूर दे सकता हूँ यहाँ से। तो चकमा देने के लिए मेरे पास पहले यहाँ पे वेट कर लेता हूँ कि वो किधर से आ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस साइड से ना करके जिस एक छोटा सा मतलब यहाँ पे एक रास्ता है जिसे ट्रैप डोर है इसको मैंने खोल दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी साउंड सुन के वो इधर आएगी और आएगी क्या भाई, वो मेरे पीछे ही पड़ गई हाथ पैर धो के। तो मुझे यहाँ से भागना होगा और वो इधर चेक करेगी और मैं दूसरी मंजिल पर चला जाऊँगा किचन में जो मुझे स्मॉल की मिली थी। तो मैं फटाफट से पहले ऊपर के साइड चलता हूँ और उस स्मॉल की को जब तक मैं नहीं लगाऊंगा तब तक वो गेम को एक सेकंड के लिए भी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इस केबल को पहले यहाँ से उठाता हूँ। तो इस केबल को मैंने यहाँ से उठा लिया है और केबल को मैं प्ले करके यहाँ से, और भाई मुझे कैसे ऐसा क्यों लगता है कि भाई वो सामने ही है मेरे पास हर बार की तरह। तो सबसे पहले मैं उस केबल को यहाँ पे लगा दिया मैंने। तो यहाँ से मेरे जितने भी ड्रॉअर थे मतलब जितने भी दरवाजे थे सब दरवाजे खुल चुके हैं और इसमें भी मुझे वो झाड़ू नहीं मिला जिस झाड़ू की मुझे ज़रूरत है। और इन सारे ड्रॉअर अलमीरा को भी खोल के देख लेता हूँ, पीछे भी भाई देखना ज़रूरी है क्योंकि मुझे हर बार की तरह शक होता रहता है कि वो पीछे से आ जाएगी। लेकिन उम्मीद है वो कि अभी ना आए तो ठीक है मेरे लिए, अगर वो यहाँ पर आती है तो मुझे भागने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ पहले से ही। तो यहाँ से मुझे भागने में कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो फिलहाल के लिए शायद वो सीढ़ी पे हो सकती है। तो थोड़ा मुझे सोच समझ के नीचे की साइड चलना चाहिए क्योंकि भाई आप लोग समझ ही सकते हो मैं इतना बोलने में मुझे
अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सारा दरवाज़ा मैं यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ। मतलब कि जितना भी ये दरवाजे हैं सारे दरवाजे लॉक हो गए हैं, और मुझे झाड़ू तो नीचे कहीं मिला नहीं है। तो यहाँ पे एक सामने जो दरवाज़ा था इसको भी खुल गया है, और इस घर के अंदर मैं चल के देखता हूँ तो यहाँ पे भी एक बॉक्स बना है, तो इसके अंदर मुझे एक ब्रूम मिल चुका है, मतलब जिसको हिंदी में झाड़ू बोलते हैं। तो इस झाड़ू की मुझे ज़रूरत कहाँ पर है? अरे भाई भाग 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 भाई, किस्मत अच्छी है कि मैं वहाँ से बच गया, नहीं तो भाई मेरा वहाँ पर तो बैंड बजना ही बजना था। एकदम क्लियर था कि मैं वहाँ पर मेरा काम तमाम हो ही गया होता। तो मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से बच के तो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो इसके अंदर आएगी तो भाई वो मुझे मार ही देगी आराम से, वो उसको मारने में समय नहीं लगेगा मुझे। तो यहाँ से पहले मैं उस झाड़ू की मदद से ऊपर की तरफ जो ये लगा हुआ था मैं इसको पहले खोल लेता हूँ, और टिफ़िन बॉक्स को उठा के अरे यार टिफ़िन बॉक्स को क्या ले जाऊँगा, मतलब ये कमीनी एक नंबर की है भाई साहब, ये कभी भी आती है और पीछे से मार के चली जाती है, सामने से आएगी तब ना पता चलेगा भाई। मेरे लिए तो वो दरवाज़ा खुल नहीं सकता है, लेकिन इसके लिए हर एक दरवाज़ा खुल सकता है। तो ये मेरे साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी जैसी लग रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता भाई, गेम के रूल के ख़िलाफ़ तो मैं नहीं जा सकता। तो मुझे फ़िलहाल में सब कुछ मेरा क्लियर हो चुका है, और मुझे बस उस झाड़ू के अंदर से मैंने जो यूज़ किया था, तो जो उसके अंदर एक टिफ़िन था उस टिफ़िन को ले जा कर के मुझे किसी ऊँचाई के जगह से फेंकना होगा। इसके अंदर इस मेन डोर की इसी के अंदर है, तो मुझे इसको ऊँचाई पर फेंकने के लिए मुझे दूसरी मंजिल पर जाना होगा जहाँ पर किचन होता है, और जिसका डर था वही हुआ भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब ये गेम खेल रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि ईविल नन कहीं से ना आ जाए, और जिसका डर था वही हुआ यहाँ पे। तो ईविल नन वो अभी तो पीछे की साइड देख रही है, तो मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। चली जा भाई साहब, तो वो वहाँ पे चली गई है, और मुझे यहाँ पे मेरा रास्ता खाली हो चुका है, और मुझे इसको ले जा करके सेकेंड मंजिल से नीचे की साइड फेंक दे रहा है, जिसके मदद से ये लंच बॉक्स है, जो लंच बॉक्स है ये खुल जाएगा, और इसके अंदर जो चाबी है वो मुझे मिल जाएगी। तो अभी तो मैंने बॉक्स नीचे फेंक दिया है, तो वो यहाँ से वो नीचे जाते हुए तो खुल तो गया ही होगा, लेकिन अब आती है असली बात, साउंड तो क्रिएट हुआ है ना भाई साहब। यहाँ पे एविल नन का आना तो कोई वो मायने नहीं रखता है, लेकिन वो यहाँ पे आ सकती है, उसका मर्जी है भाई साहब। और वो चाबी किधर है भाई साहब, चाबी किधर चली गई यार, मैं तो चाबी नीचे होनी चाहिए था यहाँ पे, लेकिन चाबी किधर है? और तो यहाँ पे वो चाबी इसके नीचे ही पड़ी है, और ये एम मेरा क्यों ऐसे अटक रहा है भाई साहब? एम अटकेगा तो भाई वो कब आ जाएगी और मुझे खुद नहीं पता चलेगा भाई। चाबी उठ जा भाई। तो फाइनली मैंने यहाँ पे चाबी तो उठा लिया है, और चाबी उठाने के बाद से मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन मुझे निकलना किधर से चाहिए भाई साहब? वो सामने ही मेरे मुँह के सामने ही खड़ी थी भाई, जिधर से मुझे जाना है, और वो इस बार मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई वो मुझे मार देगी? तो मेरे पास एक उपाय है ना, ये सारा कमरा उसी का है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो सारा रूम वही खोल सकती है, मैं भी थोड़ा बहुत रूम तो खोल ही सकता हूँ ना। तो भाई यहाँ से निकलता हूँ और इसको फटाफट से पहले खोलता हूँ, और ये भाई खुलने वाला उल्टा खुलता है भाई इसका हर एक दरवाज़ा। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई वो आएगी तो कोने पे, तो उम्मीद है कि कोने पे वो तो ध्यान नहीं देगी, क्योंकि भाई मैं यहाँ तो पर तो दिखने वाला नहीं हूँ था। अरे यार यहाँ पे मैं कहाँ से दिख रहा था जिसकी वजह से तूने मुझे मारा भाई? ये गलत मेरे साथ हुआ है। तो मैं यहाँ पे 15 रुपये खर्च करके गेम को एक बार और कहना चाहूँगा कि मुझे एक चांस और दिया जाए यहाँ पर, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है, धोखाधड़ी हुई थी मेरे साथ वहाँ पे। पहली बात तो उसने मुझे देखा नहीं था, लेकिन फायर मेरे पुस्टअप के हिसाब से वो समझ गई होगी। तो मैंने यहाँ पे 15 रुपये खर्च करके गेम को ख़रीद लिया है, और मुझे यहाँ पर मिल चुका है एक और चांस। बस ये मेरे लिए लास्ट डे होने वाला है, जितना मैं चिल्ला रहा हूँ, और उम्मीद है कि वो वहीं पे ना हो भाई, क्योंकि साहब जितना मुझे घूम के उसके पास जाना है, और वो चाबी के बाद मिल जाए, बस वो की मिल जाएगी, तो उस की के बाद से ये गेम का एकदम एंड होने वाला है यहाँ पर। तो मुझे पता है जहाँ तक कि वो एविल नन तो यहाँ पे मुझे छोड़ने वाली ऐसे तो है नहीं भाई, क्योंकि अगर इस गेम का एंड कर दूँगा तो भाई उसका क्या काम होगा। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, और उठाने के बाद से थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर रास्ते में वो मिल गई तो क्या होगा मेरे साथ, शायद वो यहाँ पे आना नहीं चाहती है। तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अब भाई मेरा रास्ता साफ़ है और मैं यहाँ से अब जा सकता हूँ। अरे यार जाने देगी तब ना जाऊँगा यार, मुझे लगा कि मैं चला जाऊँगा इधर से, वे छुप छुप के मारती है, इस बार भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे फिर से अपने हिसाब से 15 रुपये और खर्च कर दिए इसके ऊपर से, और मुझे यहाँ पे एक और लास्ट डे मिल चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं गेम को कम्प्लीट कर ही दूँगा, तो कर ही दूँगा, बस मुझे वो की मिल जाए किसी भी हालत में मेन डोर का। बस की तो मिल ही गया है, बस वो की को ला करके मेन डोर पे अप्लाई करना है, तभी मैं यहाँ से भाग पाऊँगा।
लेकिन उस गधे इविल नन को क्या पता कि यहाँ से भागने के लिए मैं कितनी देर से परेशान हूँ, और वो परेशानी को समझ नहीं रही है। वो चाहती है कि मैं इसके स्कूल में रहूं और वो मेरे साथ जो मन करे वो करे, लेकिन ऐसा तो होने नहीं चाहिए भाई, मुझे यहाँ से कैसे भी करके भागना है। तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ से उस की को उठा लिया है और इसको फटाफट से ले चल के पहले भाई थोड़ा सा चेक करके चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी भी लेट कर दी, और लेट क्या कर दी भाई, ये भाई अगर कोई वेपन होता ना तो सबसे पहले इसको यहाँ से मारता, उसके बाद से भागता यहाँ पर, लेकिन मजबूरी है भाई साहब, इसको मैं मार भी नहीं सकता यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उस की को यहाँ पे फटाफट से पहले लगा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों हमारा रास्ता हो चुका है एकदम साफ, और फाइनली दोस्तों मैं यहाँ से कर गया हूँ डोर स्केप कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो अगर आपको हमारा वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।